जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत सारे परियोजनाएं प्रस्तावित किए गए हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इसी के बीच हमारे देश में ऐसे भी परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इन परियोजनाओं को आम नागरिकों को समर्पित भी किया जा चुका है। बस कुछ ही महीनों बाद साल 2022 समाप्त हो जाएगा और 2022 में भी बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंतर्गत बनाया गया है और इसका निर्माण अम्बाला कुटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत किया गया है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का निर्माण हरियाणा राज्य में इस्माइलाबाद से नारनौल के बीच किया गया है और इसकी लंबाई 227 किलोमीटर है। यह एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। यह पूरा परियोजना एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना को हरियाणा राज्य का नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा 2018 में की गई थी और इसका शिलान्यास 14 जुलाई 2020 को किया गया था और अगस्त 2022 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया एवं इसको आम नागरिकों के यातायात हेतु खोला जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 8 पैकेजेस में किया गया है और इसके सभी पैकेजेस की डिटेल्स और किन पैकेजेस का निर्माण कार्य किन कंपनियों द्वारा किया गया है इसकी भी जानकारी आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। यह परियोजना हरियाणा राज्य के 8 जिलों से होकर गुजरता है जो कि है कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे हरियाणा राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है और हमारे देश का 4th सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे भी बन चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत 122 ब्रिजेस और अंडरपासेस का निर्माण किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। पूरे परियोजना के अंतर्गत 14 इंटरचेंजेस का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 16 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर और बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे परियोजना कुरुक्षेत्र जिले में इस्माइलाबाद के गंगेरी गांव से शुरू होती है और पुंडरी, पिल्लूखेरा, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ होते हुए नरनौल में सुराना गांव के नजदीक नरनौल बाईपास पर जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद चंडीगढ़ से जयपुर के बीच की दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा जिसको कि पहले पूरा करने में 9 घंटे का समय लगता था। इसके साथ ही इस्माइलाबाद से नारनौल के बीच की दूरी को पूरा करने में मात्र 3 घंटे का समय लगेगा जिसको कि पहले पूरा करने में लगभग 6 घंटे का समय लग जाता था। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी वाहन दौड़ पाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5,108 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो यह था 2022 में बनकर तैयार हो चुके भारत परियोजनाओं के बारे में।